आज की किचन की रेसिपी है दाल वाली पूड़ी। दाल की पूड़ी हम लोग कई तरह से बनाते हैं, लेकिन ये कुछ फट करके है। तो चलिए गाइस चलते हैं, देखते हैं अलग अलग इंग्रेडिएंट हमने यूज़ किया है किस तरह से। तो सबसे पहले हम सोक कर लेंगे दाल और इसे ग्राइंड करनी है। तो इस दाल के साथ हम लोग कुछ मसाले भी ग्राइंड कर लेंगे, जैसे कि लहसुन हो गया, अदरक हो गया, काली मिर्च हो गया, जीरा, ये सारी चीज़ें एक साथ हम ग्राइंड कर लेंगे। और एक फाइन पेस्ट बना लेते हैं इस तरह से, महीन पीसा हुआ इस तरह पेस्ट हो जाएगा तैयार। अब इसे हम बाउल में डाल देते हैं। एक बाउल हम ले लेंगे आटा, गेहूं का आटा, एक चम्मच सूजी, स्वाद के अनुसार नमक, और एक आलू जिसे हमने मैश कर लिया है, तेल 2 चम्मच, इसे अच्छी तरह से मिला करके हम इसका आटा गूंथ लेते हैं। अगर गीला आटा लगे तो थोड़ा सा और हम आटा इसमें मिक्स कर सकते हैं और इस तरह से आटे को गूंथ करके हम इसका डो तैयार कर लेंगे। अब इसे हम बेल करके तल लेंगे। तो कढ़ाई में तेल गरम कर लेते हैं और इसे डीप फ्राई कर लेंगे। इस तरह से सारी पूरी हम तल लेते हैं गर्मा गर्म सर्व करने के लिए। अब हम सब्जी बना लेते हैं। तो पनीर को फ्राई कर लेंगे। इसके लिए पैन में तेल गरम कर लिया है। इसके साथ हम 2 पीस आलू भी फ्राई कर लेते हैं। इसमें हम होल स्पाइसेस जैसे कि सौंफ हो गया, धनिया, जीरा, ये सारे मसाले इसमें हम मिला देंगे और कैप्सिकम है और प्याज है, बड़े बड़े पीसेस में से हमने काट लिया है। इसे सॉफ्ट होने तक पका लेते हैं। अब इसमें चॉप किया हुआ हम प्याज डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट,
टमाटर पिसा हुआ, इसमें मसाले डाल देंगे जैसे कि चिली पाउडर हो गया, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, पेपर पाउडर। अब इसमें पनीर मिला देंगे, आलू और पनीर जो हमने फ्राई किया था। स्वाद के अनुसार नमक मिला देंगे और ये हमने एक चम्मच फ्रेश क्रीम है जो घर की मलाई होती है, इसमें हम मिला देंगे, क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा सब्जी की। अब इसमें हम पानी मिला करके थोड़ी देर पका लेंगे। लीड लगा करके हम इसे पका लेंगे और लास्ट में हम धनिए से सजा करके गर्मा गर्म सर्व करते हैं। तो हमारा ये लंच हो या ब्रेकफास्ट हो या हम लोग टिफ़िन भी दे सकते हैं, बहुत ही लजीज हमारा ये तैयार है रेसिपी।